यूपी की राजधानी लखनऊ को भी हिलाकर रख दिया है। एक रिपोर्ट देखिए वहां की, फिर चलेंगे शिवेन के पास, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई नहीं, इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। जिस उत्तर प्रदेश मॉडल की दुहाई दी जा रही थी, जिसकी मिसाल देकर दूसरे राज्यों को आईना दिखाया जा रहा था, उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये हाल है। ये दिक्कत है, हमारे बड़े भाई परसों इंस्पायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई नहीं, इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। इस शख्स की लाचारी देखिए, एक भाई की मौत हो चुकी है, दूसरे की जिंदगी भी संकट में है, और ये भाई लगातार कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा। अस्पताल आकर इसकी उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी हैं। कोरोना ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। यूपी के 5 शहरों में कोरोना के नए केस की तादाद देखिए। वाराणसी 1,859, कानपुर 1,266, गोरखपुर 750, लखनऊ 5,183, प्रयागराज 1,888। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं। कोरोना की इतनी तेज रफ्तार से यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की सांसें फूलने लगी हैं। यूपी में कोरोना के बद से बदतर होते हालात के बीच मौत के आंकड़ों ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 24 घंटे में 104 लोगों की यूपी में मौत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही 26 है। लेकिन आंकड़े दूसरी तरफ जमीन पर कुछ और ही नजर आते हैं। दूसरी तरफ शमशान गृह को भी एक तरीके से पर्दे में रख दिया गया है, जहां ये ना देखा जा सके कि आखिर कितनी लाशें शमशान की तरफ आ रही हैं। साफ है कि हालात यूपी में खराब होते जा रहे हैं। लखनऊ में कोरोना का वार इतना घातक है कि शवों के दाह संस्कार के लिए शमशान में जगह कम पड़ रही है। हालात ये हैं कि शमशान घाट में बैठने की जगह का इस्तेमाल भी अंतिम संस्कार के लिए ही किया जा रहा है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सीधा चलेंगे शिवेन, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवेन, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, हालात भयावह होते जा रहे हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, सरकार क्या कर रही है? देखिए नवजोत, एक बात तो साफ है कि जिस तरह के हालात यहाँ पर हो चुके हैं, उसे कंट्रोल करना अब बहुत आसान नहीं है, क्योंकि लापरवाहियां जो हुई शुरुआत में, उसके चलते चाहे वो माइग्रेंट्स आ रहे हों, या फिर होली का त्यौहार रहा हो, या फिर सरकार की तरफ से तैयारियों की कमी हो, उसी का नतीजा है कि बेतहाशा केस बढ़ रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है, एम्बुलेंस में लाशें भी इंतजार कर रही हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। लेकिन सरकार के ऊपर अब चौतरफा जब से दबाव बनना शुरू हुआ है, उसके बाद सरकार ने आज अभी एक फैसला लिया है जो कि वाकई बड़ा है, हालांकि वो अभी असर करने में वक्त लगेगा। लखनऊ में जिस मैदान पे डिफेंस एक्सपो लगा था, वहां पर 1000 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है, और उसके लिए तत्काल रूप से काम शुरू करने की बात कही गई है। लेकिन पैंडेमिक की सिचुएशन, शिवेन मैं लौटती हूँ आपके पास, समाएंगे आपके पास, हालात क्या है, सरकार का आगे का प्लान क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश और बिहार के हाल भी जानेंगे, मेरे तमाम सहयोगी रहेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।